सहसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में पूछे गए अखंड भारत सवाल पर वक्तव्य किया था, जिस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आज देश के अनेक राज्यों में हिंसाचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है। चुनाव की बात करें तो बहुत से जगह पर चुनाव की तारीखें निकल गई, फिर भी चुनाव नहीं लिए जा रहे हैं। साथ ही देश में लोग बीमारियों से मरे हैं, आरोग्य सेवा भी जनता को नहीं मिल रही है। इस पर मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस पर ना बोलते हुए भागवत अखंड भारत की बात कर रहे हैं। वहीं नाना पटोले ने कहा कि मोहन भागवत स्पष्टीकरण दे कि उन्हें कैसा अखंड भारत चाहिए। अगर वही उनने अगर कहा है तो हमारा सवाल यही है कि अब तुम्हारी विचार की सरकार है देश में। अभी आदरणीय मोदी जी ने विशेष अधिवेशन बुलाया, उसका एजेंडा अभी तक पता नहीं, उनको पता होगा तो उनको बताइए कि संसद में ये विधेयक वो लेके आए और 50% का सीलिंग खत्म कर दे, तो ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने अच्छी एक पहल की है आरक्षण के बारे में, तो फिर अब ये एक रास्ता बनता है। अगर ये संसद में अगर वो विधेयक आता है और वो पारित होता है तो बहुत सारे इश्यू सॉल्व हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।